पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लोहे में जंग कैसे लगता है और क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोहे में जंग लगता है और दूसरी जगह सोने और स्टेनलेस स्टील में नहीं लगता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर लोहे में जंग लग जाए तो उसे कैसा हटाया जाए। चलिए जानते हैं। नंबर 1, सफ़ेद सिरके का प्रयोग करके। अगर किसी वस्तु में लोहे में जंग लगा हो तो आप उसे सफ़ेद सिरके में डुबो के जंग हटा सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना यह है, सिरके में जंग लगे वस्तु को डुबोना है और कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। और अगर लोहा या वस्तु जिसमें जंग लगा है वो बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसमें सिरके को डाल सकते हैं और इस तरीके से डालें कि सिरका हर जगह लग जाए। उसके बाद उसे सिरके में डूबे हुए कपड़े के टुकड़े से रगड़ के साफ़ कर लें। और ध्यान रखें, अगर सफ़ेद सिरका आपके घर पे ना हो तो आप नॉर्मल जो साधारण सिरका हमारे घर पे होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको उसको सिरके में डुबो के, जंग लगे वस्तु को सिरके में डुबो के 24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद साफ करने पर उसमें से जंग हट जाएगा। नंबर 2, नींबू और नमक से जंग हटाना। आप जंग लगे वस्तु में से जंग को हटाने के लिए नींबू और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक का सबसे आसान घरेलू तरीका नींबू और नमक से जंग छुड़ाना है, क्योंकि ये चीज़ें हर घर में आसानी से उपलब्ध होता है। वस्तु में जंग को हटाने के लिए आपको करना यह है, जंग लगे हुए हिस्से में नमक को छिड़क के नमक की एक परत चढ़ा दें, फिर उसमें नींबू को निचोड़ दीजिए, मतलब नींबू के रस को उसमें डालना है, फिर उसे लगभग 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद जब लगभग 3 घंटे के बाद उसे नींबू के छिलके से रगड़ के साफ कर लें। बहुत आसान तरीका है जिससे आप लोहे के जंग को छुड़ा सकते हैं। नंबर 3, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम जंग को हटाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करना है। ध्यान रहे कि मिक्स करने के बाद पेस्ट इतना गाढ़ा हो कि उसे जंग लगे हुए हिस्से में लगाया जा सके। अब बस आपको इस बेकिंग सोडा और पानी के पेस्ट को जंग लगे हुए हिस्से में लगाना है और कुछ समय के लिए छोड़ देना है। उसके बाद वस्तु को अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना है। आप देखेंगे लोहे में लगा जंग हट जाएगा। अब साफ करने के लिए ब्रश या ब्रश जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब टूथ ब्रश हो फिर भी चलेगा। नंबर 4, साबुन और आलू का इस्तेमाल करें। यह तरीका लगभग काम करता है। इस तरीके का इस्तेमाल तब करें जब कोई छोटा या थोड़ा बहुत जंग लगा हो या आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे जंग को हटाने का। इसमें आपको एक आलू को 2 भागों में काट देना है और एक कटोरी या कटोरी जैसी चीज में बर्तन धोने वाले साबुन ले लें और आलू के आधे कटे हुए हिस्से से कटोरी में रखे हुए बर्तन धोने वाले साबुन से डुबो के जंग लगे हुए हिस्से में रगड़ें। ऐसा कुछ बार करने पर जंग निकल जाएगा। नंबर 5, रेगमाल जैसे रगड़ने वाले चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल अब तब करें जब कोई भी तरीका काम ना आए। रेगमाल या रेगमाल जैसी चीज़ को जंग लगे हुए हिस्से में रगड़ें। ऐसा करने से जंग टुकड़ों में निकल जाएगा। वैसे ऊपर बताए सारे तरीके काम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई तरीका काम ना कर पाए तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके लोहे में से जंग को हटा सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं लोहे में से जंग हटाने के लिए। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि लोहे में जंग ना लगे इसके लिए क्या करें, और अगर लग जाए तो आपको इन 5 तरीकों का इस्तेमाल करना है। अक्सर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि कपड़े में लगे जंग और दाग को कैसे हटाएं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कपड़े में लगे दाग को हटाने के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कपड़े के जिस जगह पे दाग लगा है उस जगह नींबू का रस को डालना है और ध्यान रखना है कि वह सूखे नहीं। उसके बाद उस जगह को, जिस दाग वाले हिस्से में आपने नींबू का रस डाला है, उस जगह को अब पानी से धो लें। उसके बाद पूरे कपड़े को धो लीजिए। ऐसा करते ही आपका दाग हट जाएगा।